sieve analysis, the particle size distribution curve has been plotted for a particular soil. The coefficient of curvature CC is given by. तो बेटा वो पूछ रहा है कि जब आप सीव एनालिसिस करते हैं तो आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, तो उसमें जब हम सीसी लिखते हैं ना, सीसी कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर, तो बेटा वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है डी 30 का स्क्वायर अपॉन डी 60 इंटू डी 10, ये होता है सीसी का फॉर्मूला, ये होता है कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर। अब समझो कि जो कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर है ना, ये क्या निकालता है? ये निकालता है ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। क्या? ग्रेडेशन, ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो ग्रेडेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि यदि सॉइल वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड है ना, तो ये बताता है आपका सॉइल, ये सीसी। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, बेसिकली वो होती है सीसी की वैल्यू होती है 1 से लेके 3 फॉर वेल ग्रेडेड सैंड हो, वेल ग्रेडेड सैंड हो, ठीक है, या फिर आपकी वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो, ठीक है, दोनों के लिए सीसी की वैल्यू होती है 1 से लेके 3 के बीच में। सो अंडरस्टूड कि ये सीसी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी 30 का स्क्वायर अपॉन डी 60 बाय डी 10। और उसमें जो डी 30 और डी 60 और डी 10 होता है ना, इनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीन्स होता है। मतलब कि डी 30 मतलब होता है कि 30% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन दिस पॉइंट, दिस डायमीटर, है ना। और ऐसे ही डी 60 का मतलब होता है कि 60% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस डाया, और डी 10 होता है 10% ऑफ द पार्टिकल फाइनर देन दिस पॉइंट। और जो डी 10 होता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव साइज, रिमेंबर इट, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव साइज। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैक्सिमम सर्विस वॉल्यूम ऑफ ए रोड इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ पॉइंट इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, है ना, या फिर कैन बी अकोमोडेट ऑन ए यूनिट लेंथ ऑफ ए रोड, कैन पास अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम, नन ऑफ अबाउ 3, ठीक है। अब समझो इस बात को, ठीक है। तो बेटा वो पूछ रहा है कि कैन पास अ गिवन पॉइंट इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कैन बी अकोमोडेट ऑन ए यूनिट लेंथ ऑफ ए रोड, कैन पास अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम, नन ऑफ द अबाउ 3। अब बेटा समझो, जो मैक्सिमम सर्विस वॉल्यूम होता है ना, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं व्हीकल पर आर में, इसमें व्हीकल पर आर में। ओके, तो व्हीकल पर आर में जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो होता है कि मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास करें एट ए पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है, या गिवन पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सर्विस वॉल्यूम। ओके, तो उसका जो आंसर है वो है सी, कैन पास अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम। जो ये होता है कैन पास अ गिवन पॉइंट इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है आपका एवरेज वॉल्यूम। क्या होता है? दिस इज एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम। पर उसने जो पूछा है वो पूछा है मैक्सिमम सर्विस वॉल्यूम। ओके, तो इसमें उससे कंफ्यूज मत हो ना कि आप वो पूछे एवरेज, आप एक्सिमम लगा के आना, तो आप ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। उसने पूछा हुआ मैक्सिमम सर्विस वॉल्यूम, तो मैक्सिमम सर्विस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कैन पास अ गिवन पॉइंट, है ना, इन ए यूनिट टाइम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो इक्वेशन होता है क्यू इक्वल्स टू के वी। ओके, इसमें जो वी होता है वो होता है आपका स्पेस मीन स्पीड, जो के होता है वो होता है आपका एवरेज डेंसिटी, और क्यू होता है स्पेस एवरेज वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम में। ओके गाइस, तो इस वाले फॉर्मूले को भी याद रखना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन, when the strain in a material increases with the time under a sustained constant stress, the phenomenon is known as, ठीक है, तो वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जब हम, तो बेटा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब आपका जो मटेरियल है ना उसमें स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, पर जो आपकी जो स्ट्रेस है ना वो कॉन्स्टेंट है, तो उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? उस फिनोमिनन को हम कहते हैं क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है
विच इज रिकॉर्डेड विद द पैसेज ऑफ टाइम एट ए कॉन्स्टेंट लोडिंग। कॉन्स्टेंट लोडिंग पे जब आपकी जो आपका जो मटेरियल है वो डिफॉर्म होने लगता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप। और ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि नॉन रिकवरेबल है, ठीक है, इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं दोबारा, तो इसको हम बोलते हैं क्रीप। ओके, और ये भी दो तरह का क्रीप होता है, एक होता है कि आपका टेम्परेरी क्रीप कितना हुआ है, फिर होता है परमानेंट क्रीप कितना हुआ है। ओके गाइस, तो इसका ये होता है कि इसमें जो स्ट्रेस होती है ना, स्ट्रेस होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, सस्टेंड कॉन्स्टेंट स्ट्रेस हो सकती होती है, और ये होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रीप। नाउ द क्वेश्चन, एन अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड विद द इनिशिएट द फिनोमिनन ऑफ ए बॉइलिंग इन ग्रेनुलर सॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेडियंट इज। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो आपका अपवर्ड फ्लो कंडीशन होती है, तो उसमें जो बॉइलिंग कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्विक सैंड कंडीशन। ओके, तो ये जो क्विक सैंड कंडीशन होती है ना, ये होती है अपवर्ड फ्लो कंडीशन में, कि जब आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है ना वो रिड्यूस टू जीरो हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं जब उन पर अपवर्ड फ्लो लगता है तो ये दूर दूर भाग जाते हैं, तो जब दूर दूर जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है ना वो क्या होती है, वो हो जाती है रिड्यूस टू जीरो। जब ये रिड्यूस टू जीरो हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन या फिर अपवर्ड फ्लो कंडीशन। अपवर्ड फ्लो कंडीशन में बॉइलिंग कंडीशन, ठीक है, तो आप समझो बेटा इस बात को। तो बेटा जो मैं जो लिखता हूं, यदि मैं इफेक्टिव स्ट्रेस को लिखूं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं लिखूंगा जेड गामा सबमर्ज्ड जेड गामा सबमर्ज्ड माइनस के आई जेड गामा डब्ल्यू, जिसमें जो आई है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। यदि मैं इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये जो जेड गामा सबमर्ज्ड माइनस के आई जेड गामा डब्ल्यू, जेड से जेड कट जाएगा, तो आई जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा गामा सबमर्ज बाय गामा डब्ल्यू। और यदि मैं इसके फॉर्मूला सही लिखूं तो ये हो जाएगा जी माइनस के वन अपॉन वन प्लस के, ठीक है। और फॉर सैंडी सॉल्व की स्पेशली जो कंडीशन होती है वो होती है सैंडी केस में, तो सैंडी केस में जो ई की वैल्यू रखता हूँ, ई वो होता है बेसिकली 0.6 to 0.7, क्या होता है 0.6 to 0.7 होता है, और जो जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी में सॉलिड होता है वो होता है 2.67। यदि मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा इसमें तो आई की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आई बोलेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्पेसली 1 के करीब, तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइस, तो याद था कि जो वॉइड रेशियो वैल्यू होती है फॉर द सैंडी सॉइल तो होती है 0.6 to 0.7 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज 2.67। ओके, अंडरस्टूड गाइस, तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन ग्रेडियंट निकालेंगे वो निकालेंगे ऐसे, तो आई की गामा समझ रहे गामा डब्ल्यू। ओके, सो ये जो होता है ना, ये हाइड्रोजन ग्रेडियंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है फॉर द बॉइलिंग कंडीशन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सीनिंग बॉक्साइट जिप्सम कंकर लाइमस्टोन। आप समझो बेटा, वही पूछ रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना वो ऑब्टेन होता है बाय द कैल्सीनिंग। कैल्सीनिंग मतलब होता है जब उसको हीट करते हैं तो उसमें जो रेड रेड लाइट दिखाई देती है उसको बोलते हैं कैल्सीनिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम द जिप्सम, और जिप्सम का जो फॉर्मुला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। जब इसको कैल्सनिंग करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.5H2O में, ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो प्लास्टिक में काम आता है, और जो हम घर की जो ऊपर वाल होती है उनमें इसमें कुछ भी डिजाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये बनता किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनता है जिप्सम से, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके गाइस, नाउ द क्वेश्चन, limestone are generally known as aqueous rock, sedimentary rock, stratified rock and all of the above. अब समझो बेटा, what is the meaning of the limestone? जो limestone होते हैं ना वो एक sedimentary rock होते हैं। कौन से होते हैं? Sedimentary rock. उसका जो formula होता है limestone होता है CaCO3. Okay. उसको heat मिलती है तो convert हो जाता है CaO में plus के CO2 gas निकलती है इसमें से. Okay. तो क्या होता है कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं वो एक स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं, ठीक है ना, कि उनको ना को उनको काटा जा सकता है, ठीक है, आराम से काटा जा सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड।
तो ये होते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं, तो ये एक सेडिमेंट्री भी है, स्ट्रेटिफाइड भी है। और एक्वस रॉक वे होते हैं विच आर डिपोजिटेड बाय द वाटर और द बाय वाटर, ठीक है, जो किसी बेड पे डिपोजिट हो सके, वाटर की बेड पे डिपोजिट हो सके, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या होता है कि जब एक्वस रॉक बन जाते हैं ना, एक्वस जब आपका इग्नियस रॉक बन जाता है, नॉट अ एक्वस, इट इज इग्नियस रॉक बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और ये छोटे में टूट जाता है और इनकी जो सतह बन जाती है वो बन जाती है स्ट्रेटिफाइड। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड रॉक है ना, ये बेड पे जम जाते हैं, ऐसे जम जाते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंट, ये सेडिमेंट बन जाते हैं, उनको सेडिमेंट से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ओके, सो इसके जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये एक स्ट्रेटिफाइड रॉक भी होते हैं, ये एक एक्वस रॉक होते हैं, और एक्वस मतलब वाटर से रिलेटेड है ना, सेडिमेंट्री रॉक तो ये होते ही है, लाइव सेडिमेंट्री रॉक, और ये स्ट्रेटिफाइड भी होते हैं, इनको काटा जा सकता है आराम से, इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन में काटा जा सकता है, ठीक है, इनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। सो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नाउ द क्वेश्चन, द टर्म फ्रॉग मींस एन एपरेटस टू लिफ्ट द स्टोन, ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक, वर्टिकल जॉइंट इन ए ब्रिक वर्क, सोकिंग ब्रिक इन वॉटर। तो समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉग, जो हम ये मान लो ये आपकी ब्रिक है ना, तो ब्रिक के मान लो ये ब्रिक है आपकी, ब्रिक का जो आउटर फेस होता है ना, ऊपर वाला फेस, टॉप फेस, इस पे हम देते हैं फ्रॉग, ठीक है, आपने लिखा हुआ ब्रिक पे कि यहाँ पे नाम लिखा रहता है, कुछ उस नाम लिख देते हैं यहाँ पे कि एमकेएस है ना, कुछ ऐसे लिख देते हैं नाम, उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। ओके, दिस ये जो फ्रॉग होता है ना, इसको हम बोलते हैं शियर की, क्या बोलते हैं, शियर की। ओके, तो ये ऐसे ही डिजाइनिंग के लिए दिया जाता है, ये तो क्या, ये एक पर्टिकुलर वर्क होता है इसका बेटा, क्या वर्क होता है इसका, कि जब आप अपना मोर्टार यूज करोगे या फिर कॉन्क्रीटिंग करेंगे, तो इसमें जब आप अपना सीमेंट पेस्ट उस पर चिपकाएंगे, तो जो दूसरा ब्रिक होगा उसके साथ ये बॉन्डिंग बनाता है, ये जो शेयर की है ये बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग के लिए हमें फ्रॉग देना पड़ता है एट द आउटर फेस पे, जो टॉप फेस होता है ब्रिक का, उसमें हम ये देते हैं। सो ये डिप्रेशन होता है, दिस इज डिप्रेशन, ये ऐसा होता है कि यहां से छोटा होता है फिर, ओके, तो एक डिप्रेशन लाइक होता है, ओके, तो ये डिप्रेशन तो होता ही है, पर ये कहां पे देते हैं, टॉप फेस पे देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये शियर की होती है और ये क्या करता है, बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग करता है दूसरी ब्रिक के साथ, इसका बाइंडिंग होती है, जिससे कि हमारे जो जो वॉल है उसमें स्ट्रेंथ को गेन होता है बाइंडिंग की वजह से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ए सीमेंट, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये होता है ट्राई C3S, सो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिप्सम, जिप्सम होता है CSO4.2S2, ओके, डाइकैल्शियम सिलिकेट होता है C2S, और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A, जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो C3A। अब पूछ रहा है कि जो ऐसा कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम, जैसे कि मैं बात करूं ऑर्डिनरी पोर्टल एंड सीमेंट, तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो कितना होता है, वो होता है 30 मिनट्स। तो बेटा वो होता है 30 मिनट्स, ठीक है, तो अब क्या होता है कि यदि इनिशियल सेटिंग टाइम को हमें रिटार्ड करना है, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम, तो हम यूज करते हैं जिप्सम, ठीक है, हम उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को रोक देते हैं, ओके, अब बढ़ा देते हैं। तो बेटा जो ये जिप्सम है ना, ये क्या करता है, ये रिटार्ड करता है सेटिंग टाइम को, मतलब जो सेटिंग टाइम है उसको बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, जिससे कि जो जमता है वो थोड़ी देर में जमता है, ठीक है, तो जिप्सम यूज करते हैं हम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम क्या करते हैं, सुगर भी यूज करते हैं, जो घर में यूज किया जाती है सुगर, उसका भी यूज करते हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर देते हैं, तो उसको भी याद रखना, इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर देते हैं, ओके, तो सुगर भी कभी यूज कर सकते हैं, ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिप्सम। नाउ द क्वेश्चन, डोरी टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर क्रशिंग टेस्ट ऑफ स्टोन, हार्डनेस टेस्ट ऑफ स्टोन, इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ स्टोन और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब समझो, जो डोरी टेस्टिंग मशीन होती है, सर्कुलर मशीन होती है, उसमें हम स्टोन रखते हैं, उसकी हार्डनेस चेक करते हैं, ठीक है, कि उसकी हार्डनेस क्या है, वो कितना हार्ड है, उससे होता है हार्डनेस टेस्ट करते हैं हम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो क्रशिंग स्टोन होता है उसका, उसके लिए जो मशीन होती है वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन,
वो उसके लिए रहते हैं क्रशिंग टेस्ट, इंपैक्ट वाला टेस्ट, वो सिस्टम के लिए इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट होता है, इंपैक्ट मशीन होती है, उसमें हम लोड को ऊपर से छोड़ते हैं इसके ऊपर, और उसमें से जो उसका क्रश होता है या जो एब्रेशन टूट जाता है, तो ये सब चीज टूटने उठने का जो सिस्टम है वो सीव एनालिसिस करते हैं बाद में। ओके तो ये जो सीव एनालिसिस हम करते हैं दैट्स अ थिंग ओनली इन द इंपैक्ट टेस्ट वाला, इंपैक्ट टेस्ट ऑफ स्टोन। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो हम डिस्क्राइब करते हैं कि कितना टोटल वेट है वाटर, कितना टोटल वेट है स्टोन का और उसमें कितना वाटर है। यदि 5% ज्यादा वेट का वेट है वाटर का तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट दिस स्टोन। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हैं, ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर द स्टोन के लिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हार्डनेस टेस्ट करता है उसका एब्रेशन, व्हाट इज द हार्डनेस, ठीक है, क्योंकि कितना हार्ड हार्ड है। और जो इंपैक्ट टेस्ट ऑफ स्टोन होता है वो चेक करता है उसकी इंपैक्ट वैल्यू, क्यों यदि उसके ऊपर से लोड आएगा तो कितना इंपैक्ट है उसके, एंड वाटर एब्रेशन होता है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द स्टोन। ठीक है, यदि 5% ज्यादा वाटर है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इस बात को याद रखना हमेशा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डोरी टेस्टिंग जो मशीन होती है ना वो यूज की जाती है फॉर द हार्डनेस टेस्ट ऑफ द स्टोन। नाउ द क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच लाइम लाइम सेट्स अंडर वाटर इज नोन एज लैटिंग सेटिंग हाइड्रोसिटी ऑफ कैल्सिनिंग। हम देखते हैं कि सब जितने भी टर्म दिए हुए हैं ऑप्शन में उन सबको डिस्क्राइब करते हैं। बेटा जो स्लैकिंग होता है ना आपका, स्लैकिंग क्या होता है, व्हेन द वाटर इज एडेड टू अ क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, सीएओ, तो हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है सीएच का होल ट्वाइस और हीट निकलती है। ठीक है, तो जब ये सीएच का होल ट्वाइस निकल होता है तो ये क्या होता है, रिएक्शन टेक प्लेस होती है, और क्या होता है कि जो आपका क्विक लाइम है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये बनाता है हाइड्रेटेड लाइम जिसको हम सीएच का होल ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पूरा पूरा प्रोसेस होता है ना कि क्विक लाइम में वाटर ऐड हुआ और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं स्लैकिंग। क्या बोलते हैं, स्लैकिंग। सो स्लैकिंग समझ में आया आपको, हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेटिंग। बेटा जो सेटिंग होती है ना, सेटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइम आफ्टर इट हैज बीन कन्वर्टेड टू पेस्ट फॉर्म। जब आपका जो लाइम है वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और फिर वो क्या हुआ, उसमें हार्डेंट हो गया है, क्या हो गया, हार्ड हो गया, वो हार्डेंट की प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेटिंग, कि उसकी सेटिंग टाइम जो है कितनी देर में वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब सेटिंग। अब आते हैं हाइड्रोलिसिटी पे, हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, हाइड्रोलिसिटी होती है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लाइम, एक प्रॉपर्टी है लाइम की बाय विच इट सेट और हार्डन्स इन द डैम प्लेसेस। मान लो कोई डैम प्लेस बनाया आपने, उस डैम प्लेस में यदि आपके लाइम को हार्ड होना है तो उसको जब वो आपका लाइन हार्ड होने लगता है डैम प्लेसेस में या फिर ऐसे स्ट्रक्चर में, मैसनरी वॉल में हुआ, थिक मैसनरी वॉल हुआ, जहां पे नो फ्री सर्कुलेशन हो, नंबर वन थिंग इज नो फ्री सर्कुलेशन, ऐसे जगह जहां पे नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर हो, क्या, नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, सर्कुलेशन ऑफ एयर। ओके, यदि ऐसा हो तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, हम जो भी लाइन जमे लगता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलोसिटी। तो क्वेश्चन क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच इज लाइम सेट अंडर वाटर, उसको बोलते हैं हाइड्रोलोसिटी। ठीक है, अब समझते हैं कैल्सिनिंग क्या होता है। कैल्सिनिंग क्या होता है, जब लाइम स्टोन है ना, CaCO3 होता है आपका लाइम स्टोन, इसको जब गर्म किया जाता है तो जब कॉन्टैक्ट एयर के साथ, जब इस लाइम स्टोन का कॉन्टैक्ट होता है एयर के साथ, तो जो बनता है ना, जो हीट निकलती है या फिर रेडिश रेडिश कलर होता है, उसको हम बोलते हैं कैल्सिनिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनिंग। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिटी होती है द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच लाइम सेट्स अंडर वाटर, तो उसका जो आंसर है वो है सी, हाइड्रोलिसिटी। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन, बसाल्ट इज सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब समझो, जो बेटा जो बसाल्ट होता है ना, क्या होता है कि मान लो ये आपका वोल्केनो है, क्या है, वोल्केनो, इसमें हुआ इरप्शन, तो क्या होता है, मैग्मा जो होता है ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्मा होता है इसके अंदर, तो मैग्मा बाहर जाता है और बन जाता है लावा। ठीक है, और लावा बाहर जब ठंडा होता है तो बनाती है इग्नियस रॉक। ठीक है, और वो इग्नियस होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, कौन सी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और यदि इस अर्थ सरफेस के साइलो डैप पे बनता है तो उसको बोलते हैं हाइपरबाइसल रॉक, हाइपरबाइसल रॉक सैलो डेप पे। लेकिन यदि कंसर्टेबल डेप्थ बनता है अंदर सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द कंसर्टेबल डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ,
तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव रॉक। तो बेटा क्या होता है कि जब इंट्रूसिव रॉक होते हैं उसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है ग्रेनाइट। क्या होता है? ग्रेनाइट। और जब बाहर बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक उसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है बसाल्ट। ओके और जो हाइपरबायसल रॉक होता है उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डोलेराइट। ठीक है तो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज क्योंकि ये सारे सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको प्लीज याद रखिए क्योंकि इनके बिना आपका आंसर नहीं लग पाएगा। आपको याद होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव रॉक के लिए बसाल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल और इग्नियस के लिए जो इंट्रूसिव होते हैं वो ग्रेनाइट इज द बेस्ट एग्जांपल। अब उसमें बसाल्ट क्या होता है? बसाल्ट सेडिमेंटरी रॉक होता है? नहीं, ये इग्नियस रॉक का पार्ट होता है। मेटामॉर्फिक भी नहीं होता है, इंट्रूसिव नहीं होता है, ये होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब होता है बाहर जब बनता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जब बाहर बनता है ना तो क्वेश्चन ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेलिस्पर पार्टिकल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक एंड ऑल ऑफ द अबव। अब समझो बेटा वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, वो ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट होता है एक इग्नियस रॉक। और यदि हम कहना चाहे तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोसिव इग्नियस रॉक। ओके तो ये क्या होता है? ग्रेनाइट जो होता है वो एक इंट्रोसिव इग्नियस रॉक होता है। तो ये क्या इसमें जो कंपोज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज, ठीक है, और फेलिस्पर। तो ये जो ऑप्टेन होता है ना ग्रेनाइट मेनली ऑप्टेन कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेलिस्पर पार्टिकल इज ऑप्टेन फ्रॉम, जो ये ग्रेनाइट बनता है किससे बनता है? ये बनता है इग्नियस रॉक से। दिस इज नॉट अ सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक, ये बनता है इग्नियस रॉक से और ये होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके तो जो इग्नियस रॉक है उनमें भी इंट्रूसिव होता है और जो एक्सट्रूसिव होता है वो होता है बसाल्ट। ठीक है इंट्रूसिव रॉक होते हैं ग्रेनाइट। ओके और जो आपका एक्सक्लूसिव होता है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक वे होते हैं वो होता है बसाल्ट। ओके ये दोनों बसाल्ट ग्रेनाइट के पार्ट होते हैं इग्नियस रॉक के। तो जो आपका ग्रेनाइट है वो बनता है इग्नियस रॉक से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइस नाउ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू IAS इंडियन स्टैंडर्ड 399/196 द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड। जो आपका जो टिम्बर होता है ना, टिम्बर क्या होता है? जब हम वुड को यूज करते हैं एज ए इंजीनियरिंग पर्पस के लिए तो उसको हम बोलते हैं टिम्बर। ठीक है तो क्या होता है कि जब टिम्बर का वेट को हम स्पेसिफाई करते हैं तो टिम्बर की वेट को हम स्पेसिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोशन कंटेन। इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू मोशन कंटेन। ठीक है तो क्या होता है कि जब IAS कोड 399/196 आए तो उन्होंने बताया कि हम एक प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हम इंडियन स्टैंडर्ड 1141 यूज करते हैं फॉर द सीजनिंग के पर्पस के लिए। तो सीजनिंग क्या होता है? सीजनिंग होता है कि जब हम टिम्बर की मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीजनिंग। ये दो तरह की होती है, आर्टिफिशियल सीजनिंग और एक होता है नेचुरल सीजनिंग। ठीक है तो जब IAS 399/196 ने बताया कि हमें टिम्बर का वेट करना है तो टिम्बर का वेट को हम स्पेसिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर कंटेंट, तो वो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो IAS 1141 में आया वो आया सीजनिंग के लिए, सीजनिंग का IAS कोड होता है 1141। इसको याद रखना, एक बार एग्जाम पूछा गया कि सीजनिंग में कौन सा IAS कोड यूज होता है तो IAS कोड 1141 यूज होता है फॉर द सीजनिंग पर्पस के लिए। तो उसमें जो वेल सीजन टिम्बर होता है ना, वेल सीजन टिम्बर तो उनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना बेटा वो होता है 10-12%। ओके तो इस बात को याद रखना कि फॉर द वेल सीजन टिम्बर व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, इट इज अ मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन द 10-12%। ओके गाइस तो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज 12% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस देसी की